बाइक्स जिसे आप अपने ऑफिस जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं या तो अपने दोस्तों के साथ गेड़ियां मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और कुछ लोग पैशनेट होते हैं बाइक्स के लिए और इनके लिए बाइक एक इम्पोर्टेंट चीज बन जाती है इनकी लाइफ के अंदर। और अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक हैं तो मेरे ख्याल से आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगा ऐसे कुछ 5 एसेंशियल्स एक्सेसरीज जो कि आपकी बाइक के परफॉर्मेंस को या फिर आपकी बाइक की ओवरऑल हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे निकल कर आ सकते हैं और आपके लिए भी काफ़ी यूज़फुल निकल कर आ सकते हैं। तो इसलिए मेरी राय यही रहेगी कि आप इस पूरी वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि आपको आज के इसके बेस्ट प्रोडक्ट के बारे में पता चल सके। अब आपका वक्त ज़्यादा ज़ाया नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हुए जानते हैं अभी 5th नंबर की एसेंशियल एसेसरी के बारे में जो कि आपकी बाइक के लिए काफ़ी हेल्पफुल निकल कर आ सकती है, और वो है एक एयर पंप जो कि आपको लाइफ लॉन्ग की तरफ से देखने को मिल जाते हैं। फर्स्टली इसका साइज काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और आप इसे कहीं पर भी कैरी कर इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी कार में ईजिली फिट इन हो जाएगा। और अगर आप एक ट्रिप प्लान कर रहे हैं अपनी बाइक के ऊपर तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल टूल बन जाता है ये आपके लिए। और एक और ख़ास बात यहाँ पे आपको इसको देखने को मिल जाएगी कि यहाँ पे अगर आपके पास एक साइकिल है या फिर मोटरसाइकिल है, बाइक है, और या फिर इवन आपके पास कार है, तो ये आपके सारे व्हीकल्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे आपको डबल हेड की फंक्शनलिटी देखने को मिल जाती है जिसमें आपके दोनों ही फंक्शनिंग हेड की प्रॉपर्टीज आपको देखने को मिलेगी इस इन्फ्लेटर के साथ में। और एक और खास बात, काफी स्टडी बिल्ड के साथ में आता है और लॉन्ग रन के लिए काफी अच्छा टूल रहेगा ये लाइफ लॉन्ग का एयर पंप। बात करें यहाँ पे वारंटी की तो 6 महीने की वारंटी के साथ में आपको देखने को मिल जाता है। और रही बात प्राइसिंग की, ओनली 500 रुपीज कॉस्ट करता है ऑन एमेजोन। अपनी बाइक को धूल मिट्टी या बारिश से बचाने के लिए कवर का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आपको मैं आज एक ऐसे कवर के बारे में बताऊंगा कि आप सारे कवर्स को भूल जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ बाइक ब्लेजर की तरफ से आने वाले उनके यूनिवर्सल कवर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये कवर जो है वो हर किसी बाइक के लिए अवेलेबल है। बस आपको जब भी ये कवर बाय करना है तो अपने बाइक का वेरियंट चूज कर लेना है या कंपनी का नाम चूज कर लेना है, तो उसके हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं इसकी फंक्शनलिटी के बारे में। यहाँ पे आपको एक सिलेंड्रिकल बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर सारा कवर रोल इन होता हुआ देखने को मिलेगा, और ये सिलेंड्रिकल बॉक्स जो है वो आपको अपनी बाइक के अंदर अटैच करना है। काफ़ी इजी टू इंस्टॉल है, मात्र 1 या 2 मिनट के अंदर ये इंस्टॉल हो जाएगा और सारे टूल्स जो हैं वो आपको इसकी पैकेजिंग के साथ में ही देखने को मिलेंगे। और एक और ख़ास बात, आप अपनी बाइक को कवर कर सकते हैं इस कवर के साथ में विद इन 30 सेकेंड, और जब भी आपको अपने कवर को हटाना है तो आप अपने कवर को फोल्ड करके वापस कहीं और रखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसके अंदर ही वो रोल इन होकर रहेगा आपके पास हमेशा ही, और आपको बार बार अपने कवर को कैरी करने की भी जरूरत नहीं रहेगी क्योंकि वो ऑलरेडी आपकी बाइक के अंदर ही अटैच्ड होगा। काफी ज्यादा प्रैक्टिकल और काफी ज्यादा यूनिवर्सल एप्लीकेबल कवर मुझे लगा ये आज की इस लिस्ट में, और मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप इस कवर को जरूर बाय करें। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, बल्कि मैं इस कवर से काफी इंप्रेस्ड हुआ हूं, पर्सनली अपनी बाइक में इस्तेमाल भी करता हूं एंड आई फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट दिस कवर। और दोस्तों अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, तो ओनली 800 to 900 रुपीज के बीच में ये आपको कोस्ट करता हुआ देखने को मिलेगा Amazon पर, और बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगर आप भी अपनी बाइक से शॉर्ट ट्रिप या लॉन्ग ट्रिप पर आते जाते रहते हैं तो मेरे ख्याल से डायरेक्शन ढूंढने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, जेब से बार बार गूगल मैप्स को देखना पसंद नहीं होगा आपको और आपके लिए काफी इनकन्वीनियंट भी बन जाता है, तो इसलिए मेरे ख्याल से आपको एक मोबाइल होल्डर को खरीदने का कंसीडर करना ही चाहिए। और हमारे लिस्ट का 3rd प्रोडक्ट जो है वो एक मोबाइल होल्डर है जिसे मैं अपने बाइक के अंदर पर्सनली इस्तेमाल भी करता हूँ, और ये आता है बोबो कंपनी की तरफ से उनका स्टैंडर्ड वेरिएंट वाला मोबाइल होल्डर। यहाँ पे आपको डिफरेंट वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, एज पर योर कन्वीनियंस आप बाय कर सकते हैं, मगर ये मैं यहाँ पे और मोस्ट कॉमनली जो लोग बाय करते हैं वो स्टैंडर्ड वेरिएंट ही बाय करते हैं। एक तो यहाँ पर आपको इस मोबाइल होल्डर के अंदर फुल मेटल बॉडी देखने को मिल जाती है जिसकी मदद से ये काफी ज्यादा स्टर्डी फील होता है, लॉन्ग रन के लिए भी काफी अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। और जो इसका क्लो है जहाँ पे आपका फोन होल्ड रहेगा वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, आपका फोन गिरने का कोई चांस नहीं बनेगा इस मोबाइल होल्डर के साथ में। और ये इजी टू इंस्टॉल है और सारे के सारे जो एसेंशियल टूल हैं वो आपको इसकी पैकेजिंग के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट साइज में भी है, काफ़ी बल्की नहीं लगेगा आपको अपनी बाइक के फ्रंट व्यू में। और दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे वारंटी के बारे में, तो मात्र 1 साल की वारंटी आपको देखने को मिल जाती है इस फोन होल्डर के साथ में। और रही बात प्राइसिंग की, ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ से 1200 रुपीज़ के बीच में ये आपको कोर्स करता हुआ देखने को मिल जाएगा Amazon पर, और बाय करने के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे।
अब दोस्तों आगे लिस्ट में जितने भी मैं प्रोडक्ट बताने वाला हूँ वो लॉन्ग राइडर्स के लिए एक एसेंशियल चीज़ बन जाती है, क्योंकि मैंने लद्दाख ट्रिप पर अपनी ये चीज़ पर्सनली फील भी की है। यहाँ पे मैं सेकंड नंबर के प्रोडक्ट के बारे में बता देना चाहता हूँ, और वो है जेल राइड की तरफ से आने वाला उनकी जेल सीट। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ थी और मैं रिग्रेट करता हूँ कि इसे मैंने क्यों नहीं बाय किया जब मैं अपनी लद्दाख ट्रिप पर गया था बाइक पे। ये सीट आपकी बाइक पर होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है अगर आप फ्रीक्वेंटली लॉन्ग ट्रिप्स पर जाते रहते हैं। मोर देन 300 to 500 किलोमीटर की ट्रिप पर जा रहे हैं तो इसको ज़रूर इंस्टॉल करवा लीजिएगा, क्योंकि ये आपको शेयर कंफर्ट प्रोवाइड करेगा आपकी बैक में और स्पेशली आपके बम्प में। और जितने भी आपको रास्ते में खड्डे देखने वाले हैं उनका जितना भी आपको वाइब्रेशन देखने को मिलेगा आपकी बाइक के अंदर या फिर उसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, वो ये जेल सीट अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगी और आपकी बैक या फिर बम के ऊपर इतना प्रेशर नहीं मारेगी। और एक और ख़ास बात, आपकी लॉन्ग राइड के लिए आपकी सीट को और भी ज़्यादा कम्फर्ट प्रोवाइड करने में मदद करती है और आपकी राइड को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाने में ये आपके लिए एसेंशियल टूल निकल कर आता है। और इतना ही नहीं, ग्रिड पैटर्न के अंदर आपको देखने को मिल जाता है और साथ ही में इस सीट के अंदर जेल का इस्तेमाल किया गया है तो जल्दी से खराब होने के चांसेस काफी कम है। रही बात यहाँ पे वारंटी की, तो 2 साल की वारंटी के साथ में आपको ये सीट देखने को मिल जाती है। और बात करते हैं यहाँ पे प्राइसिंग के बारे में, तो ऑलमोस्ट 1400 to 1500 रुपीज के आसपास ये आपको कोस्ट करता हुआ देखने को मिल जाएगा Amazon पर। और दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी देखने को मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको आज की लिस्ट में से कोई भी प्रोडक्ट बाय करना है तो सारे बाइंग लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। और एक और चीज़ मैं क्लियर करके बता देना चाहता हूँ, और वो ये है कि हम आप तक जो भी वीडियोज लेके आते हैं वो किसी भी तौर से स्पॉन्सर नहीं होती है, हम आप तक मोस्ट जेन्युइन प्रोडक्ट ही रिकमेंड करते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज की लिस्ट के नंबर 1 प्रोडक्ट के बारे में, और आज की लिस्ट में से मेरे फेवरेट प्रोडक्ट के बारे में भी, जो कि एक फ्लैशर है। और ये फ्लैशर आपको सिमट्रोनिक की तरफ से देखने को मिलता है। अगर आप अपनी बाइक को नाइट राइड पर लेके जाते हैं या फिर आपकी सराउंडिंग के आसपास हमेशा फोग रहता है या फिर अभी फोगी सीजन चल रहा है जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये फ्लैशर आपके लिए एक हेल्पफुल और लाइफ सेविंग टूल भी निकल कर आ सकता है, क्योंकि फ्लैशर आपके लिए मदद कर सकता है डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न ब्लिंक करने के लिए आपकी बाइक के इंडिकेटर के थ्रू। यहाँ पे आपको डिफरेंट 40 पैटर्न का सपोर्ट देखने को मिल रहा है इस फ्लैशर के साथ में। और खास बात यह है कि दोस्तों कि यहाँ पे आपको कोई वायर कट करने की जरूरत नहीं रहेगी, प्लग एंड प्ले की फंक्शनलिटी आपको देखने को मिल जाती है इस फ्लैशर के साथ में। मगर एक चीज जो मैं आपको इसके साथ में नोटिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये कुछ बाइक्स के साथ में प्लग एंड प्ले की फंक्शनलिटी को अडॉप्ट कर सकता है, हर बाइक के साथ नहीं कर सकता है, तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वहाँ पे थोड़ी बहुत आपको वायर कटिंग करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पर डेली कम्यूटर सेगमेंट वाली बाइक के बारे में बात कर रहा हूँ, जैसे कि स्प्लेंडर, स्प्लेंडर प्लस, पैशन प्रो, इस तरीके की बाइकों के बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास कोई स्पोर्ट बाइक है जैसे कि TVS की अपाचे, बजाज की पल्सर, KTM की ड्यूक या फिर इवन R15, इन बाइकों के साथ में इजीली कंपैटिबल है, प्लग एंड प्ले की फंक्शनलिटी का आप बखूबी फायदा उठा सकते हैं। और एक और खास फीचर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, स्मार्ट ऑटो ऑन और कट ऑफ का फीचर भी आपको इस फ्लैशर के साथ में देखने को मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि आपको मैनुअली बार बार रीसेट करने की जरूरत नहीं रहेगी अपने फ्लैशर को, यहाँ पे आपको स्मार्ट फंक्शनलिटी भी देखने को मिल जाती है। रही बात प्राइसिंग की, तो यहाँ पे ये फ्लैशर जो है वो कोस्ट करते हुए देखने को मिलेगा 1300 रुपीज से लेके 1500 रुपीज के आसपास, और आप इसे बाय कर सकते हैं नीचे दिए गए लिंक्स के थ्रू। तो दोस्तों दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो कंसीडर कीजिएगा इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी देखने को मिलती रहे। और अगर आपको आज की लिस्ट में से कोई भी बाइक एक्सेसरी पसंद आई है और आप चाहते हैं बाय करना, तो सारे बाइक लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको मिलूंगा ऐसी एक और वीडियो के साथ, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वन।